हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। और कल बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी, जैसे कि बारिश ऐसा बोल रही हो कि मैं अब जाने वाली हूं। अब ठंडी की मौसम, विंटर सीज़न शुरू होने वाली है, और इतनी ज़ोरों से बारिश हुई थी और इतनी बिजली चमक रही थी और इतना पानी कल गिर गया था। तो ऐसा लग रहा था कि बारिश अपने आप को इंडिकेट कर रही थी कि अब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये सीज़न की लास्ट बारिश है। और बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी, और जैसे कि बारिश कल हुई थी तो आज सुबह मैं चेक करने आया मेरे प्लांट्स को, क्योंकि रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी और ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स भीग गए थे और सॉइल भी एकदम वेट हो गई थी। तो आज सुबह मैं वो मेरी सॉइल अपने प्लांट्स की सॉइल चेक करने आया तो देखा भाई, मैंने सारी सॉइल मेरी वेट है और मुझे आज पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और प्लांट अच्छी तरह से भीग गए थे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली आज की वीडियो मैं अपनी सॉइल का पीएच चेक कर रहा था, कि क्योंकि मैंने संडे को मेरे प्लांट्स में, ये लेमन प्लांट में फर्टिलाइज़ लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़ किया था। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें हमारी प्लांट्स की सॉइल की पीएच लेवल चेक करनी रहती है, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा प्लांट वो फर्टिलाइज़र सक करता है कि नहीं, फर्टिलाइज़र्स में से न्यूट्रिएंट्स सक करता है कि नहीं। और अगर सॉइल एसिडिक लेवल पे रहेगी तो बाद में हमारा प्लांट ये फर्टिलाइज़र सक करेगा। तो बस कल रात को बारिश हुई थी तो आज मैं चेक करने आया तो मिट्टी पूरी वेट थी, तो आज मैं थोड़ा फ्री था, प्लांट्स के अंदर पानी नहीं डालना था, तो ऑलमोस्ट मैं फ्री था। तो मैंने आज, मुझे लगा कि एक आपको दिखा देता हूँ कि सॉइल की पीएच लेवल एट प्रेजेंट मेरे प्लांट में क्या है और मेरी प्लांट की सॉइल की पोजिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज हमारे ये लेमन प्लांट है उसकी सॉइल की पीएच लेवल क्या है। फ्रेंड्स, हमने ये लेमन प्लांट, ये जो लेमन प्लांट है उसको फर्टिलाइज़ करके मुझे आज 3 दिन होने को है, मतलब संडे को सुबह मैंने इसको फर्टिलाइज़ किया था, संडे के पूरा दिन और मंडे का पूरा दिन और आज ट्यूसडे की सुबह, मतलब 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं और आज तीसरा दिन शुरू होने वाला है। तो मैं चेक कर रहा था अपने सॉइल का पीएच लेवल, कि मेरे सॉइल का पीएच लेवल एट प्रेजेंट लेमन प्लांट में कितना है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करते हैं प्लांट के अंदर तब हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हमें हमारी सॉइल, जो प्लांट की सॉइल है उसे हमें पीएच लेवल हमें 6 to 7 के बीच में रखना है, ताकि सॉइल एसिडिक बनी रहे और सारे न्यूट्रिएंट्स सक करती रहे टाइम टू टाइम। जैसे कि हम फर्टिलाइज़र इसीलिए डालते हैं ताकि रूट्स वो फर्टिलाइज़र्स में से न्यूट्रिएंट्स सक करे और अपनी ग्रोथ बढ़ाए और फ्लावर्स दे या तो फ्रूट्स दे। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप पीएच लेवल मेरे सॉइल की देख रहे हैं वो है 6। ये देखिए, अभी जो ये जो पीएच मीटर है उसकी सुई अभी 6 पे है। और ये देखिए, मैंने बटन पीएच, ये जो बटन है वो मैंने पीएच के ऊपर रखा है, मतलब अभी जो सॉइल का पीएच लेवल ये बता रहा है वो है 6, मतलब ये सॉइल अभी एसिडिक है और ये सॉइल इतनी कैपेबल है कि वो जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने अप्लाई किए थे उसके अंदर से न्यूट्रिएंट से सक कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमें इतना ध्यान देना होगा, अगर हम फर्टिलाइज़ करते हैं उसके बाद के दिन, उसके 2 दिन 3 दिन के बाद हमें ये चेक करते रहना होता है कि हमारे जो फर्टिलाइज़र हम जो प्लांट के अंदर डालते हैं उसके पीछे ये प्लांट अपना फर्टिलाइज़र सक करता है कि नहीं। तो ये हिसाब से अगर हम चेक करते रहेंगे तो बाद में हमारे प्लांट्स को, मतलब हमारे प्लांट्स फ्रूट्स भी देंगे और फ्लावर्स भी देंगे। अब अगर आपके पास ये पीएच मीटर नहीं हो तो आप परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन पे से, 650 रुपीज़ का आता है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और बहुत ही, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हो तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और आप इसको कैसे यूज़ करना है वो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बता दिया है। और अगर आप ये परचेस नहीं कर सकते, अगर आपके पास एक दो तीन गमले हैं, तो बाद में आप इस तरह से
जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमें सॉइल को एसिडिक कैसे रखनी है। हर 15 दिन में आप 8 लीटर पानी के अंदर 4 चम्मच लाइम जूस मिक्स कर सकते हैं, मतलब नींबू का जूस आप मिक्स कर सकते हैं। वो 8 लीटर पानी आप अपने जो लेमन प्लांट है उसके अंदर डाल सकते हैं। अब लेमन प्लांट कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको वो पानी अप्लाई करना है। अगर समझ लीजिए आपके पास इतना बड़ा लेमन प्लांट हो, ये लेमन प्लांट होगा लगभग मेरे हिसाब से 1.5 साल का, 1.5 साल से ऊपर का ये लेमन प्लांट है। और ये लेमन प्लांट में मैं डालता हूँ पूरा, मतलब इसके अंदर मैंने गमला यूज़ किया है, 14 इंच का गमला है, 14 इंच का गमला है। तो 14 इंच के गमले में मैं 3 मग भर के पानी डाल देता हूँ, मतलब समझ लीजिए मैं पानी इसमें 3 से 4 मग डाल देता हूँ। और हर 15 दिन में मैं वो पानी ये प्लांट के अंदर डालता रहता हूँ, जिसकी वजह से सॉइल हमारी एसिडिक बनी रहे। अगर आपका प्लांट छोटा हो, अगर आपने छोटा लेमन प्लांट लिया हो, तो एट प्रेजेंट तो वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखेगा कि वो फ्रूट्स देगा। लेकिन आपको उसको बड़ा करना हो टाइमली, उसको अच्छा रेगुलर बड़ा करना हो, उसकी ब्रांचेस मोटी करनी हो, उसको हेल्दी बनाना हो, तो आपको उसकी सॉइल एसिडिक रखनी होगी, ताकि वो टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स में से न्यूट्रिएंट्स सक करते रहें। और उसको आप 2 मग भर के पानी अप्लाई कर सकते हैं हर 15 दिन में एक बार। जो ये लाइम जूस का जो मैंने बताया है वो लाइम जूस आप 8 लीटर के पानी, 8 लीटर के पानी के अंदर उसको आप 4 चम्मच लाइम जूस मिक्स करके वो पानी आप हर 15 दिन में एक बार ये प्लांट को आप दे सकते हैं। अगर छोटा प्लांट हो तो 2 मग भर के दीजिए, अगर इतना बड़ा प्लांट हो तो 3 से 4 मग भर के आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए हर 15 दिन में एक बार। तो इस तरह ये सॉइल आपकी एसिडिक भी बनी रहेगी। अब मैं आपको मेरे रोज़ प्लांट भी दिखा देता हूँ कि उसकी सॉइल कितनी एसिडिक है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इंग्लिश रोज़ का प्लांट है और उसकी सॉइल का पीएच लेवल आप देखिए। इसकी सॉइल का पीएच लेवल है 6 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 6.5 और 6 के बीच में है। तो इसकी सॉइल भी एसिडिक है। इसके अंदर भी मैंने ये संडे को फर्टिलाइज़ किया था, और फर्टिलाइज़र देने के बाद आज मैं ट्यूसडे को मैं चेक कर रहा हूँ इसकी सॉइल पीएच। तो इसकी सॉइल पीएच है 6.5 और 6 के बीच में। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैंने बताई थी आपको, जैसे कि हम 4 चम्मच लाइम जूस हम पानी के अंदर मिक्स करके हमें हर 15 दिन में एक बार वो पानी हमें हमारे प्लांट अप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से हमारी सॉयल एसिडिक बनी रहेगी और आपका प्लांट्स टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र सक करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने ये रोज़ प्लांट हो, या तो हाइबिस्कस का प्लांट हो, या तो कोई भी फ्लावर वाले प्लांट हो, उसको हर 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़ करें। फर्टिलाइज़ करने के बाद हर आप 2-3 दिन के बाद आप चेक करिए, अगर आपके पास सॉयल पीएच मीटर हो तो बाद में आप आराम से ये सॉइल पीएच मीटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपनी सॉइल पीएच लेवल, और अपने प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आपका रोज़ प्लांट भी अच्छा ग्रो करेगा, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र सक करता रहेगा तो हेल्दी रहेगा, और अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो फ्लावरिंग भी अच्छी देगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी सी वीडियो, एक अपडेट मैंने दी है फर्टिलाइज़र करने के बाद हमें प्लांट्स को किस हिसाब से मेंटेन करना है, और हमें किस हिसाब से सॉइल पीएच चेक करनी है, और हमें कैसे सॉइल पीएच मेंटेन करनी है। तो टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स।